महाराष्ट्र में बीजेपी को पछाड़ने के बाद शिवसेना की नजर अब बीजेपी शासित गोवा पर है, जिसे लेकर पार्टी ने आगे की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। शिवसेना सोच रही थी कि वो कांग्रेस और अन्य दलों के साथ मिलकर गोवा में बीजेपी का खेल बिगाड़ेगी, मगर अब कांग्रेस की तरफ से ऐसा बयान आया है जो शिवसेना के अरमानों पर पानी फेर रहा है। शिवसेना ने एक दिन पहले उस वक्त सभी को चौंका दिया था जब ऐसे संकेत मिले थे कि शिवसेना बीजेपी शासित गोवा में कुछ बड़ा करने वाली है। संजय राउत ने कहा था कि वो महाराष्ट्र की तर्ज पर गोवा में भी बड़ा महामोर्चा बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए शिवसेना तीन विधायकों वाली गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री विजय सरदेसाई के साथ गठबंधन कर रहे हैं। वहीं शिवसेना का इशारा कांग्रेस की तरफ भी था कि जिस तरह से उसने कांग्रेस की मदद से महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, ठीक उसी तरह वो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को अपने साथ लेकर बीजेपी का खेल बिगाड़ेगी। मगर महाराष्ट्र में शिवसेना का साथ देने वाली कांग्रेस ने गोवा में उसके अरमानों पर पानी फेर दिया है। राज्य में पार्टी के अध्यक्ष गिरीश चोड़नकर ने कहा कि गोवा में बीजेपी सरकार गिरती है तो उन्हें खुशी होगी, लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं है क्योंकि बीजेपी को 40 सदस्य, विधानसभा में 30 विधायकों का समर्थन हासिल है। ऐसे में वो खरीद फरोख्त के खेल में उलझने की बजाय विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के घर में ही हलचल मचवा कर उसके 10 विधायकों का पार्टी में विलय कराकर बहुमत साबित किया था, जिसके बाद कांग्रेस की ताकत और घट गई थी। ऐसे में शिवसेना सोच रही थी कि वो बीजेपी जैसा खेल खेलकर उसी का खेल बिगाड़ देगी, मगर कांग्रेस ने शिवसेना के दावों को ही दरका दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।